Namaskar and welcome to News Bearer Hufflo. Here are today's top stories. In a concerning development from Hufflo, police have arrested 7 minors on charges of stealing motorcycles. Last night, the arrests were made during a raid conducted from Thursday night to Friday morning as police responded to a troubling rise in vehicle thefts across the Dima Haso district. When most young people are focused on their education and building their futures, this group of young men chose a path of crime, raising alarm across the community. PSI Lakshmidhar Sekia successfully apprehended the suspects and recovered 8 stolen motorcycles. Additional Superintendent of Police Farooq Ahmed informed that all 7 arrested individuals are minors. He added that the arrests took place after one of the thieves was caught red-handed while attempting to steal a motorcycle on Thursday night. A case registered as number 61/30 to under 65/2024 of the Indian Penal Code has been filed at the Hufflo Police Station. The 7 minors have been taken to juvenile court today, where further legal proceedings will take place. ये रिसेंट जो घटना है ये तो हाल फिलहाल का ही है, बट इससे आगे भी ऐसा घटना घटा, उसमें भी हम लोग पकड़ा एक्यूज्ड को, बट ये दूसरा लोग है, वो अलग लोग था, ये दूसरा लोग है, ये लड़का लोग, ये दूसरा है। तो इनको जो ये 8 बाइक जो रिकवर किया गया है, ये हाल फिलहाल इसको चोरी किया गया था। इसमें हम लोग 7 माइनर को पकड़ा है, तो जितना इन्वॉल्व थे हम सभी को पकड़ लिया और सभी को हम लोग जेजेपी के सामने फॉरवर्ड करेंगे। मतलब इस तरह से जो घटना हो रहा है सर, तो रुकने के लिए आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों का जो डिप्लॉयमेंट है हम लोग टाउन में, वो हम लोग काफी बढ़ा दिया। अभी पहले तो ये ट्रैफिक का वायलेशन हम लोग चेक करते थे, अभी ये डिप्लॉयमेंट दूसरा सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी है और हम लोग का पेट्रोलिंग पार्टी भी है। तो इसलिए अभी आप लोगों को शायद अंदाजा होगा कि आप लोग में जितना भी छोटा मोटा पहले घटना हुआ करता था वो अभी बिल्कुल खत्म हो गया है, ऐसा कुछ होता नहीं अभी आप लोग में, क्योंकि हम लोग का होल नाइट वो ड्यूटी रहता है, तो वो ड्यूटी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जो पेट्रोलिंग पार्टी वगैरह है उसको हम थोड़ा जो एरिया में अभी पता चला ये 7 माइनर को पकड़ के जो पता चला हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिला उसी हिसाब से हम लोग जो हम लोग का पेट्रोलिंग पार्टी है उसी हिसाब से हम लोग उसको रीअलाइन कर देंगे वो ड्यूटी के लिए। ये लोग जो माइनर चोरी करते हैं क्या करने के लिए यूज करता था? इनको तो अभी एग्जैक्टली पता नहीं है ये चोरी करके क्या करता था, बट ये चूरा के एक जगह में वो 2-3 जगह में एक्चुअली वो बाइक रखा हुआ था, तो हम लोग उधर से ही पकड़ के लेके आया, बाइक भी रिकवर किया। अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि इंक्वायरी में पता चलेगा कि एक्चुअली इनका मकसद क्या था, ये क्या करने वाला था। हाँ वो ये भी पता चलेगा पूरा। ये सब जितना हमारा नहीं, ये सारा दिमाग साहब का ही है, सारा यह लोकल ही है, बाहर का कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने तो बोल ही दिया, मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ, जो भी गार्जियंस है जिनका बच्चा बाहर है तो वो थोड़ा खबर करे कि अपना बच्चा क्या कर रहा है, टाइमली आ रहा है, पढ़ाई कर रहा है ना, क्या कर रहा है, कहाँ पे है रात को, ये थोड़ा खबर करे और उस हिसाब से थोड़ा जो भी करना है, जो भी कार्रवाई करना है उस हिसाब से करें, ताकि ये जितना भी बच्चा है ये काफी छोटा छोटा बच्चा है, तो इनका काफी उज्जवल भविष्य है। अगर इस तरह से वो लोग अभी से ये क्राइम में इन्वॉल्व होने लगता है तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो हम लोग यही अपील करेंगे जितना भी गार्जियंस है कि अपना जितना भी बच्चा है अपना बच्चा का थोड़ा खबर करें, वो क्या कर रहा है, कहाँ पे है, कैसे है, और उनको क्राइम में इन्वॉल्व ना होने दे, बस। Stay tuned to News Bearer Hufflo for more news.